आप देख रहे हैं JK247 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। चंद्रयान 3 की चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सतह के बाद लैंडिंग के बाद जो है राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी द्वारा चांद के जो विक्रम लैंडर है जहां पर वो लैंड किया गया था उसका नाम शिव शक्ति रखने के बाद जो है उस पर राजनीति करी है। तो इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस के नेता विक्रम लोहिया मेरे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से राजनीति देखने को मिल रही है नाम पर, जहाँ पर चांद का विक्रम लैंडर लैंड? देखिए, जिस प्रकार से गर्व की बात है देश इतनी उपलब्धि पे पहुंचा, कांग्रेस पार्टी सैल्यूट करती है हमारे देश के वैज्ञानिकों को, हमारे देश की वैज्ञानिक इसरो संस्थान को सैल्यूट करते हैं हम दिल से। लेकिन बात एक राजनीति की आती है, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है या भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी रोड से फोटो खींच करके लाया हूँ, ना इस फोटो में तिरंगा है ना इसरो है, ये चेहरा चमकाने की कोशिश है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है। नेक्स्ट देखिए, तिरंगा गायब, इसरो का नाम गायब, ये राजनीति होती है, लोगों को गुमराह करने का काम होता है। एक और देखिए, अभी दिखाता हूँ, लोगों को गुमराह करने का काम, ये रोड से खींच के लाया हूँ, अभी दिखाई दे रहा आपको तिरंगा, दिखाई दे रहा है इसरो का नाम? शर्म आनी चाहिए देश के नेताओं को, इतने उच्च पद पे बैठने के बाद प्रधानमंत्री जी ने नहीं आदेश जारी किया कि इसरो का नाम होना चाहिए, तिरंगा होना चाहिए? अरे, देश का तिरंगा तो शान है हमारी, आप लोगों ने उसको देश के तिरंगे का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी और RSS तो शुरू से ही तिरंगे का अपमान करती हुई आई है, देश माफ़ नहीं करेगा, आने वाला समय होगा इनको इसका जवाब दिया जाएगा। जो तस्वीर आपने दिखाई इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी और मोदी जी ने क्रेडिट लिया है पूरा चंद्रयान? निश्चित तौर पर मोदी जी, अरे बीजेपी काय का क्रेडिट भैया, मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं। अभी इस फोटो में किसी और की फोटो नहीं, इसमें किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर की फोटो नहीं, इसमें तिरंगे की फोटो नहीं, इसमें इसरो का नाम नहीं, इसरो के डायरेक्टर का नाम नहीं। अरे किसी का तो नाम दे देते, शर्म कर लो आप, इतने फोटो जीबी इस उम्र के अंदर, उम्र 70 से प्लस हो रही है लेकिन नौजवान बनने की कोशिश हो रही है, आज भी चेहरा चमकाने की कोशिश हो रही है। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को भी, इस प्रकार की फोटो देखने के बाद देश के लोग क्या बोलेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और दूसरों दलों पे आरोप और प्रत्यारोप करने का काम करती है, क्योंकि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, शहजाद पुलावाला ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, क्योंकि जो नाम रखा गया शिव शक्ति उस पर राशिद अल्वी ने कहा है दुनिया हंसेगी इस पर। देखिए, आपको पता हो शहजाद पुनावाला ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि मोदी तो हिंदू ही नहीं है, चार धाम की उन्होंने यात्रा भी नहीं की, इसी शहजाद पुनावाला ने। ये शहजाद पुनावाला को शर्म आनी चाहिए बोलने से पहले, वो बोल क्या रहे हैं उनको खुद को नहीं पता। और वो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर सबसे बेकार कोई प्रवक्ता है तो शहजाद पुनावाला जी हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को ध्यान नहीं रखते। उन्होंने खुद ने कहा है कि मोदी हिंदू नहीं है, इन्होंने चार धाम की यात्रा भी नहीं की। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, कांग्रेस नेता विक्रम लोहिया मेरे साथ बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से JK247 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह।